Hello students, in the last video we have discussed the topic which we will study in control system subject, and we have also discussed why this control system subject is so important for us. Okay, now here we will start with the first topic, and for the first topic we need to understand what is system. Okay, so we will start with the system. Now what is system? System aapka kya hai? So system is a processor which takes the input and process this input according to its own characteristics and provide the output. Okay, so system jo hai aapka input receive karta hai and aapko output provide karta hai. Okay, so agar main yahan par input le raha hu xt, output agar main le raha hu yahan par yt, aur system ko agar main represent karta hu simply tt se, so system kya hoga, aapka xt input receive karega aur aapko output yt provide karega. Okay, what is the relationship between this xt, tt and yt? Ye relationship hum signals and system mein study karte hain ki jo aapka yt hota hai output, wo hota hai aapka xt convolved with tt, means input convolved with system. But agar aapne signal system ka basics study kiya hua hai to aapko pata hoga ki ye convolution jo hai wo sirf aur sirf LTI system ke liye hi valid hota hai. So hamara jo control system bhi hai wo sirf aur sirf LTI system ke liye hi valid hota hai. LTI system, practical system, linear time invariant system. Okay, so hame dhyan rakhna hoga कि कंट्रोल सिस्टम में जो हम सिस्टम की स्टडी करेंगे वो है आपका एलटीआई सिस्टम. सो आउटपुट वाईटी इज इक्वल टू एक्सटी कॉन्वोल्यूशन विद टीटी. नाउ अगर मैं बोथ साइड लाप्लास ट्रांसफॉर्म कंसीडर करूं, सो वाईएस कितना हो जाएगा आपका एक्सएस इनटू टीएस. हमें पता होना चाहिए कि अगर एक टाइम में या बोल सकते हैं आप एक डोमेन में अगर कॉन्वोल्यूशन हो रहा है तो अनदर डोमेन में आपका मल्टीप्लिकेशन होगा. यहां पर टाइम डोमेन में कॉन्वोल्यूशन था तो फ्रीक्वेंसी डोमेन या एस डोमेन में आपका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा. ओके, सो अगर मैं यहां से टीएस कैलकुलेट करता हूं तो वो आ जाएगा आपका वाईएस अपॉन एक्सएस. ओके, सो ये जो आपका टीएस कैलकुलेट हुआ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे कंट्रोल सिस्टम के लिए. दिस टीएस इज कॉल्ड ट्रांसफर फंक्शन. ओके, सो ट्रांसफर फंक्शन आपका क्या होता है? Laplace transform of output which is Ys divided by Laplace transform of input which is Xs with all the initial conditions are zero. तो ये जो transfer function है, हमें पूरे control system subject में बार बार हमें transfer function ही calculate करना होगा. तो ये term आपके लिए बहुत important है, transfer function, output divided by input. Okay, now अब अगर मैं इसे equation number one consider करूं और सपोज करिए अगर मैं इनपुट जो xt है वो अगर मैं डेल्टा t दूं, तो हम जानते हैं कि डेल्टा या इंपल्स फंक्शन का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो 1 होता है. ओके, सो अगर मैं इस एक्सेस की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूं, सो फ्रॉम 1 आपका क्या हो जाएगा, एक्सेस यहां पर 1 हो जाएगा, तो ys किसके इक्वल हो जाएगा आपका ts के इक्वल हो जाएगा. सो ys इज इक्वल टू ts. ओके, इसको आप क्या लिख सकते हैं, अगर आप इनवर्स लाप्लास लेते हैं तो yt इज इक्वल टू tt. ओके, सो हम यहां पर क्या देख पा रहे हैं कि जो yt था वो आपका क्या था, आउटपुट था सिस्टम का, और tt क्या था आपका, tt सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा था, सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा था. तो हम यहां देख पा रहे हैं कि जो आपका सिस्टम का जो tt है वो यहां पर सिस्टम के रिस्पांस yt के इक्वल हो जा रहा है. ठीक है ना, जब हमने इनपुट क्या लिया, इंपल्स फंक्शन लिया. ओके, सो हमें एक पॉइंट आज से दिमाग में रखना है कंट्रोल सिस्टम में, जब भी हम इनपुट लेते हैं, कोई भी इनपुट लेते हैं, सपोज करिए हमने इनपुट लिया x, तो आउटपुट होगा आपका x रिस्पांस, आपने इनपुट लिया राम तो आउटपुट होगा आपका राम रिस्पांस. ओके, सो जो आपका आउटपुट होता है दैट इज रिस्पांस, उसके सामने आप वर्ड क्या यूज करते हैं, इनपुट का नाम. ओके, जैसे आपने लिया इनपुट स्टेप तो आउटपुट क्या होगा, स्टेप रिस्पांस. यहां पर आपने इनपुट क्या लिया, इंपल्स, तो आउटपुट क्या हो जाएगा आपका, इंपल्स रिस्पांस. लेकिन हम यहां देख पा रहे हैं जब हमने इनपुट इंपल्स लिया तो जो आउटपुट है वो सिस्टम के इक्वल आ गया, वो टीटी के इक्वल आ गया. इसका मतलब क्या है, जो टीटी भी है वो क्या है आपका, इंपल्स रिस्पांस ऑफ द सिस्टम है. ओके, आपको ये बात समझ रही होगी
टीटी जो है सिस्टम है, टीटी रिस्पॉन्स नहीं है, टीटी आउटपुट नहीं है, बट जब आप इंपल्स इनपुट देते हैं तो टीटी जो है वो आपका आउटपुट के इक्वल आता है, वो आपका रिस्पॉन्स के इक्वल आता है। इसलिए आज से आपको समझना होगा कि सिस्टम को या टीटी को हम इंपल्स रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। तो एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आते हैं उसपे यही वर्ड यूज करेगा, इंपल्स रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम। तो ये आपका सिस्टम है, टीटी है, ठीक है ना। कुछ बुक्स में आपको ये एचटी के फॉर्म में भी दिखेगा, तो आप कोई भी फॉर्म यूज कर सकते हैं, वेरिएबल नेमिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, आपको ये बात समझनी होगी कि जो टीटी है आपका वो इंपल्स रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम होता है। ओके, सो ये हमारा बेसिक सिस्टम का एनालिसिस था। अब अगर मैं बात करूं कंट्रोल सिस्टम की, तो कंट्रोल सिस्टम क्या है? अगर मैं यहां पर सिस्टम की बात करूं फिर से, तो सिस्टम क्या था आपका कि आपने कोई इनपुट दिया और आपको क्या मिला, आउटपुट मिला। अब अगर मैं कंट्रोल सिस्टम की बात करूं तो कंट्रोल सिस्टम क्या है, आपने इनपुट दिया और आपको डिजायर्ड और यू कैन से कंट्रोल्ड आउटपुट मिला। ओके, तो यही होता है आपका कंट्रोल सिस्टम। ओके, सो कंट्रोल सिस्टम में जब भी हम कोई इनपुट देते हैं हम डिजायर्ड या कंट्रोल आउटपुट अचीव कर सकते हैं। अब हमें यह पढ़ना है कितने टाइप के कंट्रोल सिस्टम होते हैं, बेसिक ब्लॉक डायग्राम क्या होता है कंट्रोल सिस्टम का। ओके, सो वन बाय वन हम सारी चीजें कंसीडर करेंगे यहां पर। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंट्रोल सिस्टम। ओके, सो यहां पर ये जो डायग्राम है आपका ये प्योर थ्योरिकल है अभी, और यही जो थ्योरी है आपके आने वाले जितने डेरिवेशंस हैं या जितने न्यूमेरिकल्स हैं ये सब का बेस है, सब कुछ क्लियर करेगी आपके लिए। सो आपको ये थ्योरी क्लियर होनी चाहिए। आपको इस थ्योरी में जो वर्ड्स यूज होंगे लाइक व्हाट इज ट्रांजिएंट, व्हाट इज स्टेडी स्टेट, व्हाट इज स्टेबिलिटी, ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो ये थ्योरी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो मैं यहां पर बेसिक ब्लॉक डायग्राम आपके लिए ड्रॉ कर रहा हूं। फर्स्ट ब्लॉक इज कंट्रोलर। ओके, यहां पर आपका इनपुट होगा, इनपुट को हम नाम जानते हैं रेफरेंस इनपुट, और आप इनपुट को कमांड के नाम से भी जानते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट जो होता है आपका ब्लॉक वो होता है आपका प्लांट। ओके, नेक्स्ट जो होगा आपका दैट विल बी आउटपुट, आउटपुट को आप रिस्पॉन्स के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, और आप कंट्रोल्ड आउटपुट के नाम से भी जानते हैं इसे। ओके, नाउ आउटपुट से ही आपका फीडबैक जाएगा, फीडबैक हम यहां लगा देते हैं। ओके, जो ये आपका फीडबैक है वो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि पॉजिटिव फीडबैक के क्या एडवांटेजेस हैं, नेगेटिव फीडबैक के क्या एडवांटेजेस हैं, या हमें कौन सा फीडबैक यूज करना चाहिए, कौन सा यूज नहीं करना चाहिए, कौन सा फीडबैक कब यूज करना चाहिए, ये सारी चीजें हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो रेफरेंस इनपुट होता है या कमांड होता है उसको हमें अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनपुट, रेफरेंस इनपुट मींस आप इनपुट प्रोवाइड कर रहे हो। आपको ये चीज शुरू से ही क्लियर रखनी है कि रेफरेंस इनपुट आप इनपुट प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, आप इनपुट सप्लाई नहीं कर रहे हो। रेफरेंस इनपुट एक तरह का आपका रेफरेंस है, एक तरह का आपका टारगेट है जो आप अचीव करना चाहते हो रिस्पॉन्स और कंट्रोल आउटपुट के फॉर्म में। ओके, अगर आप वो टारगेट अचीव कर लेते हो तो आपकी जो एरर होगी वो जीरो होगी। अगर आप वो टारगेट अचीव नहीं कर पाते हो तो वो एरर क्या होगी, आपकी फाइनाइट वैल्यू होगी, ठीक है। तो रेफरेंस इनपुट कोई इनपुट नहीं है, वो एक टारगेट है, वो एक वैल्यू है जो आप अचीव करना चाहते हो। लॉजिक क्लियर है ना। ये कंट्रोलर क्या है आपका, कंट्रोलर क्या है जो आपके पूरे प्रोसेस को कंट्रोल करेगा, नाम से क्लियर है हमें, बट कैसे और कब कंट्रोल करेगा ये हमें क्लियर होगा जब हम प्लांट की डेफिनेशन समझ लेंगे। प्लांट क्या है आपका, प्लांट क्या है, प्लांट वो प्रोसेस है जो हमें टारगेट अचीव करने में हेल्प करता है, जो हम टारगेट अचीव करने के लिए यूज करते हैं, प्लांट आपका वो प्रोसेस है। ओके, हमें अगर कोई चीज अचीव करनी है तो हमें काम करना होगा, हमें हार्ड वर्क करना होगा, प्लांट या प्रोसेस वही आपका हार्ड वर्क है जो आप टारगेट अचीव करने के लिए यूज करते हो। ओके, नाउ आप टारगेट अचीव करते जाते हो टाइम टाइम पे, और टाइम टाइम पे जो फीडबैक है वो आपका कंट्रोलर के पास आता जाता है। अगर आपका टारगेट अचीव हो रहा है, आप प्रॉपर वर्क कर रहे हो, तो कंट्रोलर कोई एक्शन नहीं लेगा। लेकिन अगर आपका टारगेट अचीव नहीं हो रहा है तो कंट्रोलर दो तरह के एक्शन लेता है,
या कंट्रोलर के आप बोल सकते हैं, दो तरह के टास्क होते हैं। एक होता है आपका अगर कोई एरर है तो एरर होगी तो उसे पहले एरर डिटेक्ट करनी होगी, ओके, तो एरर डिटेक्शन। एंड सेकेंड जो पॉइंट है, इफ देर इज एनी एरर, इफ एरर देन उसे एक कंट्रोल एक्शन, मतलब उसे एक्शन लेना होता है, ठीक है। तो कंट्रोलर के दो टास्क होते हैं, एरर डिटेक्शन एंड अगर एरर फाइंड आउट हुई है तो उसे एक्शन लेना होता है। सपोज करिए आपने कोई टारगेट सेट किया था, आप उसके लिए हार्ड वर्क कर रहे हैं, अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं और अपना आप टाइम टाइम पे चेक कर रहे हैं कि आपने जो टारगेट सेट किया था जो आपको अचीव करना है, सपोज करिए आफ्टर 5 ईयर्स के बाद, तो आप अगर 1 ईयर के बाद चेक करते हैं और आपको लगता है कि चेक करने के बाद कि आपका जो प्रोसेस है वो बहुत स्लो है, आप कभी भी 5 ईयर्स में टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे अगर आप इस स्पीड से चल रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, उस प्रोसेस को थोड़ा चेंज करेंगे। तो वो चेंज करने का काम यहां पर कौन करता है, वो काम करता है आपका कंट्रोलर, ओके। सो कंट्रोलर का काम वही है कि समय समय पर चेक करना कि आप टारगेट के अकॉर्डिंग प्रोसेस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे हैं तो वो प्रोसेस को चेंज करेगा, ओके। नाउ यहां पर कुछ टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे एक टर्म है आपका ट्रांजिएंट, ओके। ट्रांजिएंट क्या होता है आपका, ट्रांजिएंट वो टर्म है या वो चीज स्पेसिफाई कर रहा है कि आपका आउटपुट जो है वो वेरिएबल है, आपका आउटपुट जो है वो कॉन्स्टेंट नहीं है, ठीक है ना। जैसे सपोज करिए आप कोई टारगेट अचीव करना चाहते हैं, उस आप 5 ईयर्स में टारगेट अचीव करने वाले हैं, ठीक है, आपने सेट किया है 5 ईयर और उसके लिए आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो 5 ईयर्स के पहले तक जब तक आप हार्ड वर्क करते जाएंगे जो आपका टारगेट स्मॉल 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 अचीव होता रहेगा, जिसके कारण वो हमेशा क्या रहेगा, वेरिएबल रहेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आपने एक बार टारगेट अचीव कर लिया तो आपका जो आउटपुट है वो क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा, अब उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। या सेकेंड ऑप्शन क्या है, आपने बीच में ही सोच लिया कि आप टारगेट अचीव नहीं करने वाले हैं और आपने छोड़ दिया उस प्रोसेस को, उस वर्क को आपने छोड़ दिया, जब आप वर्क करना बंद कर दोगे तब भी आपका आउटपुट क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा। तो दोनों ही केस पे, चाहे टारगेट अचीव हो चाहे आप टारगेट अचीव होने से पहले अपने वर्क को छोड़ दे, दोनों ही केस में आपका आउटपुट क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा। तो वो जो कॉन्स्टेंट आउटपुट है वही आपका क्या कहलाता है, स्टडी स्टेट। जब तक आप वर्क करते रहेंगे तब तक आपका आउटपुट लगातार चेंज होता रहेगा, वो क्या कहलाता है आपका, ट्रांजिएंट कहलाता है, ठीक है। तो ट्रांजिएंट मींस आउटपुट इज वेरिएबल, आउटपुट टाइम के साथ कंटिन्यूअसली आपका चेंज हो रहा है, और स्टडी स्टेट मींस क्या होता है आपका, आउटपुट इज कॉन्स्टेंट, अब आपका आउटपुट चेंज नहीं हो रहा है टाइम के साथ, ओके। सो ये दोनों चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, ट्रांजिएंट क्या है, स्टडी स्टेट क्या है, ठीक है। अब एक और पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए, स्टेबिलिटी क्या है। स्टेबिलिटी बहुत ही सिंपल है, इन्हीं दो वर्ड से आप समझ सकते हैं। जब आपका आउटपुट लगातार चेंज हो रहा है तो आप अभी आप स्टेबल नहीं हो, जब आपका आउटपुट फिक्स हो गया, कॉन्स्टेंट हो गया, तो आपकी सिस्टम क्या हो जाएगा, स्टेबल, ठीक है ना। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हो सकता है आपने टारगेट अचीव किया हो चाहे आप ना किया हो, अगर आपका आउटपुट कॉन्स्टेंट है, ठीक है ना, अगर आप स्टडी स्टेट रीच कर गए हो, ठीक है, तो आप हमेशा स्टेबल हो, सिस्टम आपका क्या है, स्टेबल है, ओके। तो यहां पर फिर आप सोच रहे होंगे कि फिर टारगेट अचीव करने या ना करने का क्या मतलब है, तो यहां पर एक और टर्म डिफाइन होता है, दैट इज कॉल्ड स्टडी स्टेट एरर, ओके। सपोज करिए आप स्टडी स्टेट पे पहुंच गए, आप स्टेबल हो गए, उसके बाद आप क्या करोगे, जो आपने टारगेट सेट किया था, जो क्या था आपका रेफरेंस इनपुट, और जो आपने टारगेट अचीव किया है आफ्टर रीचिंग द स्टडी स्टेट, दैट इज रिस्पॉन्स और कंट्रोल्ड आउटपुट, आप उन दोनों को माइनस करोगे, ओके, रेफरेंस इनपुट माइनस कंट्रोल्ड आउटपुट, इन दोनों को आप माइनस करोगे, अगर इन दोनों का डिफरेंस आपका जीरो आता है, दैट मींस आपने अगर अपना टारगेट अचीव कर लिया है तो आपकी स्टडी स्टेट एरर क्या हो जाएगी, जीरो, और अगर आपने टारगेट अचीव नहीं किया है तो आपकी स्टडी स्टेट एरर क्या होगी, कोई फाइनाइट वैल्यू होगी, ओके। तो आपको इन वर्ड्स में कंफ्यूज नहीं होना है कि स्टेबिलिटी क्या है, स्टडी स्टेट एरर क्या है, ठीक है, ट्रांजिएंट क्या है, स्टडी स्टेट क्या है। ट्रांजिएंट मींस आपका आउटपुट वेरिएबल है, आपका आउटपुट कंटिन्यूअसली टाइम के साथ चेंज हो रहा है। स्टडी स्टेट क्या है आपका, कि जो आपका आउटपुट है वो अब टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा, अब वो कॉन्स्टेंट हो चुका है, ठीक है। और अगर आप स्टडी स्टेट में पहुंच गए, मतलब आप स्टेबल हो गए हो, आपका सिस्टम जो है स्टेबल है।
तो स्टडी स्टेट एरर क्या है, स्टडी स्टेट में पहुंचने के बाद जो आप इनपुट माइनस आउटपुट करते हो वही आपकी स्टडी स्टेट एरर। नाउ अब अगर मैं इस ब्लॉक डायग्राम मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं, सो मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगा इसका, इनपुट होगा आपका आर एस, ओके, एंड आपका एक एडर होगा, समर होगा। नाउ इसके बाद आपका होगा प्लांट, प्लांट को हम रिप्रेजेंट करते हैं जीएस से। इसके बाद आपका आउटपुट होगा विच इज सीएस। उसके बाद आप फीडबैक शो करोगे जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्टैंडर्ड एचएस से, और यही फीडबैक जाएगा आपका पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक के फॉर्म में एडर में, ओके। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखें, यहां पर कुछ ब्लॉक्स में इनपुट आउटपुट हमें पता है, कुछ ब्लॉक्स के इनपुट आउटपुट हमें नहीं पता है। तो हमें क्या करना होगा, जहां जहां पर हमें वैल्यूज नहीं पता है वहां हम अज्यूम कर लेते हैं। हमारा टारगेट क्या है मैं स्पेसिफाई कर देता हूं, हमारा टारगेट है कि हमें ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करना है ओवरऑल सिस्टम का, विच इज सी एस अपॉन आर एस, ओके, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट डिवाइड बाय लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट, ओके। सो यहां पर जो आपका वैल्यूज हमें नहीं पता है, जैसे हमें इस एडर का आउटपुट नहीं पता है तो मैं इसे अज्यूम कर लेता हूं ई एस, ओके। इस ब्लॉक का आउटपुट हमें पता है सी एस है, एच एस का इनपुट भी हमें पता है वो क्या है आपका सी एस, बट एच एस वाले ब्लॉक का आउटपुट हमें नहीं पता तो उसे हम अज्यूम कर लेते हैं बी एस, ओके। नाउ अब अगर मैं कुछ इक्वेशन यहां पर लिखने की कोशिश करूं तो आप देख सकते हैं कि जो आपका ई एस है वो क्या हो रहा है आपका एडर का आउटपुट है, तो एडर का इनपुट क्या है आर एस, और एक और इनपुट क्या है आपका बी एस, तो आप क्या लिख सकते हैं आर एस प्लस माइनस बी एस, ओके। सो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर वन। और कोई इक्वेशन हम लिख सकते हैं क्या यहां से, यस, आप देखिए हमने अभी भी पढ़ा था कि कोई ब्लॉक के पहले जो इनपुट होता है ई एस और जो ब्लॉक के बाद होता है वो होता है आउटपुट, सो सी एस अपॉन ई एस कितना हो जाएगा आपका जी एस, तो जी एस क्या हो जाएगा आपका सी एस आउटपुट ई एस इनपुट, ये क्या हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर टू, ओके। क्या कोई और इक्वेशन हम लिख सकते हैं, यस, आप देखिए एच एस को, एच एस का आउटपुट क्या है बी एस, सो क्या लिख सकते हैं आप एच एस इज इक्वल टू बी एस, एच एस का इनपुट क्या है आपका सी एस, सो ये हो जाएगा आपका सी एस, सो एच एस क्या हो गया आपका बी एस अपॉन सी एस। तो ये आपके थ्री इक्वेशन क्रिएट हो गए यहां पर। नाउ अब अगर मैं इक्वेशन नंबर टू से ES की वैल्यू इक्वेशन नंबर वन में पुट कर दूं, सो आपका ES की वैल्यू इक्वेशन नंबर टू से क्या है आपकी CS अपॉन GS, ओके। सो फ्रॉम वन एंड टू, वन एंड टू, यहां पर वन में क्या है इक्वेशन आपका ES इज इक्वल टू RS प्लस माइनस BS, सो RS प्लस माइनस BS, ओके। और ES क्या है आपका इक्वेशन नंबर टू से, वो है आपका CS अपॉन GS, तो हम यहां पुट कर सकते हैं सी एस अपॉन जी एस, ओके। सो ये आपका एक इक्वेशन क्रिएट हो जाएगा। इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर फोर दे दूं, नाउ अगेन हम यहां पर देख सकते हैं इक्वेशन नंबर थ्री में, इक्वेशन नंबर थ्री में अगर हम बी एस की वैल्यू निकालें तो बी एस की वैल्यू क्या हो जाएगी एच एस इंटू सी एस, ओके। सो थ्री एंड फोर, थ्री एंड फोर, सो आप क्या कर सकते हैं सी एस अपॉन जी एस is equal to RS plus minus BS. तो BS आप कहां से लेंगे equation number 3 से, वो क्या हो गई आपकी HS into CS. So ये हो जाएगी आपकी HS into CS. Okay. So ये हमारा equation बनकर ready हो गया है। अब अगर मैं यहां पर both side GS से multiply कर दूं, तो आपका क्या हो जाएगा RS into GS plus minus HS into CS into GS, ओके। सो ये आपका रेडी हो गया। नाउ आप देख सकते हैं कि यहां पर जो आपका एक टर्म है उस टर्म में आपका CS है राइट हैंड साइड में, और यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में भी एक टर्म है उसमें CS है। आपको चाहिए क्या CS upon RS, सो आप CS को अगर पूरा लेफ्ट हैंड साइड में ले आए तो कितना हो जाएगा आपका 1 minus HS into जी एस, ओके। और यहां पर आप देखिए प्लस माइनस दोनों साइन थे तो ये क्या हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा, ओके। और यहां पर आपका क्या हो जाएगा
यहां पर ये हो जाएगा आर एस इंटू जी एस. ओके, सो अब हमारा टारगेट क्या है, हमें क्या चाहिए, सी एस अपॉन आर एस. सो सी एस अपॉन आर एस जो है आपका वो क्या हो जाएगा यहां से जी एस अपॉन वन माइनस प्लस जी एस इंटू एच एस. तो ये आपका कंप्लीट ट्रांसफर फंक्शन आ जाएगा यहां से जी एस अपॉन वन माइनस प्लस जी एस इंटू एच एस. ओके, तो ये है आपका क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन सी एल टी एफ. ओके, क्लोज लूप क्यों बोल रहे हैं इसे हम लोग, क्योंकि ये हमारा क्लोज लूप सिस्टम था. क्लोज लूप सिस्टम की मीनिंग क्या है मैं नेक्स्ट वीडियोस में और क्लियर करूंगा, बट अभी के लिए अगर आपका फीडबैक प्रेजेंट हो फ्रॉम आउटपुट टू इनपुट देन इट इज अ क्लोज लूप सिस्टम. तो यह आपका कंप्लीट क्लोज लूप सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन यहां से क्रिएट हो गया है. ओके, सो ट्रांसफर फंक्शन क्या है आपका जी एस अपॉन वन माइनस प्लस जी एस इंटू एच एस. अब एक और पॉइंट है यहां पर, ये माइनस प्लस की क्या मीनिंग है, तो अगर आप ध्यान से देखें फिगर को अपने, तो आपके फिगर में एक्चुअली था प्लस माइनस. प्लस था पॉजिटिव फीडबैक के लिए और माइनस था नेगेटिव फीडबैक के लिए. अगेन पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक में नेक्स्ट वीडियोस में आपको क्लियर करूंगा, लेकिन अभी के लिए अगर आप देखिए तो यहां पर जो आपने इक्वेशन लिखा था ई एस वो क्या था आर एस प्लस माइनस बी एस. ओके ना, प्लस था आपका पॉजिटिव फीडबैक, माइनस था नेगेटिव फीडबैक. और इसी इक्वेशन को सॉल्व करते करते जब आप इस इक्वेशन में पहुंचे थे तो आपने इस प्लस माइनस वाले टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में लिया था, जिसके कारण ये हो गया था माइनस प्लस. दैट मींस जो आपका माइनस साइन है वो किसके लिए है, पॉजिटिव फीडबैक के लिए, और जो आपका प्लस साइन है वो किसके लिए है, नेगेटिव फीडबैक के लिए है. ओके, सो अगर एग्जाम में आपका नेगेटिव फीडबैक आएगा तो आप क्या यूज करेंगे, जी एस अपॉन वन प्लस जी एस इंटू एच एस. ओके, सो ये आपका होता है क्लोज लूप सिस्टम. ओके, ट्रांसफर फंक्शन ऑफ क्लोज लूप सिस्टम. ओके, नाउ अब अगर मैं बात करूं यहां पर कि ये ओपन लूप सिस्टम कब होता, ये सेम ब्लॉक डायग्राम ओपन लूप सिस्टम में कब कन्वर्ट हो जाता, तो ये तब कन्वर्ट हो जाता जब आपका फीडबैक जो है वो कनेक्टेड नहीं होता. जब फीडबैक कनेक्टेड नहीं होता है तो ये क्या हो जाता, ओपन हो जाता. आउटपुट और इनपुट के बीच में कोई कनेक्शन नहीं होता. ठीक है, तो आपको एक पॉइंट क्लियर रखनी है, ओपन लूप सिस्टम के केस में क्या होगा, फीडबैक प्रेजेंट तो होगा बट कनेक्टेड नहीं होगा. ठीक है, तो अगर मैं सिंपली बोलूं क्लोज लूप के केस में क्या था, फीडबैक आपका कनेक्टेड था. ओके, ओपन लूप के केस में क्या है आपका, फीडबैक जो है आपका वो कनेक्टेड नहीं होगा. ठीक है ना, फीडबैक नॉट कनेक्टेड. ओके, तो इसमें अगर मैं ट्रांसफर फंक्शन की बात करूं ओपन लूप के, ये हमारा था CLTF GS अपॉन 1 माइनस प्लस GS इनटू HS. अब अगर मैं ओपन लूप के ट्रांसफर फंक्शन की बात करूं यहां पर क्या होगा आपका ओपन लूप का ट्रांसफर फंक्शन OLTF, तो आप मेन फिगर को फिर से अगर ध्यान से देखें तो मेन फिगर में आपका अगर ये फीडबैक कनेक्टेड नहीं होगा, ठीक है ना, तो ये जो आपका जो समर है उसका एक ही इनपुट होगा RS, सेकेंड इनपुट आपका प्रेजेंट नहीं होगा, तो इस एडर या समर की कोई जरूरत नहीं होगी. ओके, सो आपका जो डायग्राम है कुछ इस तरह से हो जाएगा, आर एस ये कहां जाएगा आपका डायरेक्टली जीएस पे. ओके, और ये वायर जो है सीधा सीधा एच एस. ओके, और देन आपका हो जाएगा आउटपुट सी एस. ओके, सो आपका जो डायग्राम है वो इस तरह से क्रिएट हो जाएगा. तो आप देख सकते हैं यहां पर जीएस और एच एस दोनों किस पे आ जाएंगे आपके, कैस्केड में. तो जो सी एस अपॉन आर एस है वो बेसिकली आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका जीएस इंटू एच एस. ओके, सो हमें स्टार्टिंग से ही ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन एंड क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन दोनों ही क्लियर होना चाहिए, स्टैंडर्ड जो है हमारे पास, क्योंकि जब आप आगे जाके बोडे प्लॉट, नाइक्विस्ट प्लॉट, रूट लोकस ये सब स्टडी करेंगे तो आप एनालिसिस तो करेंगे क्लोज लूप का, लेकिन जो आपका यूज होगा वो होगा ओपन लूप का. ओके, सो हमें ओपन लूप एंड क्लोज लूप दोनों के ट्रांसफर फंक्शन अच्छे से समझ में आने चाहिए. ओके, यहां तक क्लियर है. नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग इन्हीं ओपन लूप एंड क्लोज लूप का थ्योरिकल एनालिसिस करेंगे, नेगेटिव एंड पॉजिटिव फीडबैक का थ्योरिकल एनालिसिस करेंगे. आफ्टर दैट वी विल सॉल्व वन और टू न्यूमेरिकल्स. ओके, सो यहां तक के लिए अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. ओके, गुड बाय.